हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन श्रताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी सही सही आपको मिलेगा। सबसे शुरू में जो बात मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि आप सब घर में हैं ना, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे तो ही ये जो कोरोना का जो संक्रमण होने का जो चेन है उसको हम सब मिलके ब्रेक कर पाएंगे। एंड बहुत जल्द ये जो परिस्थिति है, जैसे लोगों को अफेक्टेड होना या फिर हम लोगों को जैसे लॉकडाउन होके घर में घर में रहना पड़ रहा है, सारी चीज़ इसमें बहुत सारे लोगों का काम हैम्पर हो रहा है, देश का इकोनॉमी हैम्पर हो रहा है, ये सारी चीज़ थोड़ा सा कम समय में हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। बट इस टाइम को अगर हम लोग ध्यान से नहीं इस चीज़ को मानेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर की बात, तो डेफिनेटली ये चीज़ से बाहर आना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो लॉकडाउन है और आगे बढ़ जाए तो हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, एक तो साइकोलॉजिकली, बिकॉज हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे घर से, ये एक साइकोलॉजिकली काम कर रहा है। एट द सेम टाइम रिस्क फैक्टर भी है कि हम लोग अगर बाहर निकलेंगे या फिर कल क्या होगा, हमारा हेल्थ कैसे रहेगा, हमारे घर वाले को हेल्थ कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। तो चलिए इसी टेंशन के बीच में हम लोग को जो टाइम मिला है उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज हम लोग क्यों ना करें। देखिए, इस चैनल में मैंने एयरलाइंस इंटरव्यू एंड वैकेंसीज एंड उसके साथ रिलेटेड बात बोलती रहती हूँ। एंड आज का जो विषय है, ये विषय भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगी जो आपको एक सक्सेस पाने में जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एयरलाइंस इंटरव्यूज़ अभी कुछ दिन के लिए बंद है, इसलिए इस विषय में हम लोग बात नहीं कर रहे। बट एट द सेम टाइम एयरलाइंस इंटरव्यू का बात छोड़ के भी बहुत सारे बात ऐसा है जो इसके साथ, ये सब इंटरव्यू एंड इसके सक्सेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स आज दूंगी जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जब इंटरव्यू आएगा उस इंटरव्यू में आप अपने आप को अच्छे से तैयारी कर पाएंगे एंड आप सक्सेस आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं जो बात आपको बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि बॉडी लैंग्वेज जो एक इंसान का जो जा रहा है इंटरव्यू देने, जो कैंडिडेट है, उसका बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसके ऊपर आपका पर्सनालिटी का एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज कैरी करता है। ये बॉडी लैंग्वेज मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ बात हम लोग मुँह से बोलते हैं, जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कुछ चीज़ ऐसा होता है हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाव भाव से सामने वाले को समझ में आ जाता है। समटाइम्स ये अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, समटाइम ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो हम लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब बात भी नहीं कर रहे हैं, जब इंटरव्यू में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा हो रहा है। एट द सेम टाइम जब आप लोग इंटरव्यूअर के सामने भी जा रहे हैं तो भी हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा हो रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप कैसे काम करेंगे, इसके लिए कई प्रैक्टिस आप इस समय में कर सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले आप नेट पे जाइए एंड कुछ गुड जेस्चर, कुछ गुड बॉडी लैंग्वेजेस का फोटोग्राफ्स है वहाँ पे देखिएगा, उस विषय को अच्छे से देखिए। देखिए, कुछ चीज़ है कि जो बोलने से समझ आपको नहीं आएगा, जो देखने से आपको समझ आएगा। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऑलवेज एट द सेम आई कॉन्टेक्ट जो होगा, ये सेम प्लेटफॉर्म में से आप बात करिए। मान लीजिए अगर हम किसी से ऐसे बात कर रहे हैं नीचे की तरफ देखकर, तो जो मुझे देखेगा वो उसको मैं एरोगेंट लगूंगी, दिस गिव्स एन एरोगेंट लुक। तो इस चीज़ के लिए जब भी आप किसी से बात करेंगे, यू ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद देम, उनके साथ सेम डिस्टेंस में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, ना तो ऊपर ऐसे करके बात करिए ना नीचे ऐसे करके बात करिए, अगर पॉसिबल है। इंटरव्यू में तो पॉसिबल है ही है, क्योंकि आप भी बैठे हुए हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं, एंड मोर ऑर लेस आप लोगों का आई कॉन्टैक्ट जो है वो सेम इसमें रहेगा, सेम हाइट में रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ऑलवेज चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि मुस्कुराहट जो है, द स्माइलिंग फेस, इट इंडिकेट्स दैट कि यू आर नॉट नर्वस,
एंड एट द सेम टाइम इट इंडिकेट्स दैट कि यू आर कॉन्फिडेंट. तो इस चीज़ के लिए आप कैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी बोलिए, एक मिरर लीजिए सामने, मिरर के सामने आप कुछ भी बोलिए. जैसे लास्ट टाइम मैंने लाइव प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन सिखाया था, वो इंट्रोडक्शन रेडी करके विद अ स्माइल आप बोलिए. तो इससे क्या होगा, जब आप नॉर्मल बात करेंगे किसी से तो आपके चेहरे में एक हल्का मुस्कुराहट रहेगा जो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी आपको देगा एंड इट विल गिव अ वेरी गुड थिंग. नंबर थ्री जो चीज़ है कि जब भी आप किसी से भी बात करेंगे चेहरे में एक पोलाइटनेस रखिएगा. देखिए पोलाइटनेस ऐसे तो चेहरे में रखा नहीं जा सकता इफ़ यू आर नॉट पोलाइट फ्रॉम इनसाइड. तो इसीलिए कुछ नेचर हम लोगों का है जैसे पोलाइटनेस, ये जो पोलाइटनेस नेचर है खुद के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करिए. थैंकफुल रहिए. पोलाइटनेस कैसे आएगा आपको पता है, अगर आप किसी के छोटे छोटे काम में भी अगर कोई भी मदद को आप ग्रेटफुलनेस रहिए रहना सीखे और उसके प्रति थैंकफुल रहे तो ये पोलाइटनेस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आपको इसके लिए कोई अलग से एफोर्ट नहीं करना पड़ेगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप जाएंगे इंटरव्यू में तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, देखिए बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट जो मैं बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको सामने ना रह के, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा चीज़ है जो किसी को सामने बैठा के सिखाना पड़ता है, बट हेंस हम लोग एक वर्चुअल मीडियम में बात कर रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे. तो जितना आपको मैं दूर से स्क्रीन से समझा पा रही हूँ वही मैं आपको बोल रही हूँ. उसके बाद में आपको एक बात बोलूँ, क्योंकि देखिए जब भी आप फ़ोन पे बॉडी लैंग्वेज का एक चीज़ है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आता है, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी प्लेजेंट होना चाहिए. बहुत सारे बात आपको काम करते हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी करना पड़ेगा. सो एट दैट टाइम आप प्रैक्टिस कुछ ऐसा करिए, जब भी किसी के साथ बात करेंगे आप सामने एक मिरर रखिए एंड मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे हैं तो विद अ स्माइल बात करिए. अगर दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो बात करते हुए आप मुस्कुरा के बात करिए एंड मिरर में आप फॉलो करिए कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं. सो इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट बिकॉज स्माइल टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस इंडस्ट्री. सो इसीलिए आपको एक मुस्कुराहट वाला चेहरा आपको होना चाहिए. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्माइल का और एक चीज़ है कि एक इसके विषय में अगर मैं बोलूँ कि स्माइल जो है वो आपको बहुत छोटा मोटा गलती को भी छुपा देता है. मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन आप जानते नहीं हैं, आपको ना बोलना है कि सर आई डोंट नो द आंसर, तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर अगर बोलेंगे कि सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा एंड ये चीज़ आपका पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नो एवरीथिंग. हम लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में जो हो रहा है वो सब चीज़ हम जाने, बट हम जानने की कोशिश करते हैं जितना हमें हो सके. बट अगर आप नहीं जानते हैं कोई भी सवाल या फिर आपको कुछ पूछ रहा है वो आपको नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आप मुस्कुरा के बोलिए उनको कि सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर. सो इसमें क्या होगा कि आपका अगर आप ना भी आंसर दें तो आंसर तो आपको बोलेंगे आपको पता चल जाएगा, बट जो जेस्चर आप उनको दिखाएंगे दैट वुड बी मैचलेस एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा. आपका जो पर्सनालिटी है इट विल डेफिनेटली एक आपके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव वे में वो लोग लेंगे इस चीज़ को. उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कोई भी एक गंभीर वाला सिचुएशन बात हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस के बारे में ही आपको पूछ रहा है कोई, सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्लेजेंट इंसिडेंट टू एनीवन. सो इन दैट केस अगर आप कोई सीरियस मैटर में आप बात करेंगे इन दैट टाइम डेफिनेटली विल नॉट स्माइल. तो उसके साथ जो भी आपके चेहरे में एक सिंपैथी, एक चिंता एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके चेहरे में आना चाहिए इस टाइप के विषय में. मेन बात इज़ दैट कि मेन जो इसका जो कंक्लूशन ये निकल रहा है कि आपका जो भाव है उसके साथ साथ आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको काम करना चाहिए. जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं या कहीं पे भी बोल रहे हैं कि मैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो आपको चेहरे में वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए. आप मुरझा हुआ नहीं बोल सकते मैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो ये मिलता नहीं है. मिलता जुलता वह मतलब आपका, आप जो बोल रहे हैं, आपका जो करनी एंड कथनी जो बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं दोनों में एक मेल होना चाहिए, तो ही वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करेगा एंड तो ही वो चीज़ वो लोग बिलीव करेंगे, मतलब वो चीज़ एक नेचुरल वे में उनके सामने आप बोल सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द दैट टुडे कि मैं बोलना चाह रही थी कि स्माइल वाई इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट्स द रोल ऑफ स्माइल इन एन इंटरव्यू. लास्ट में जो आप लोगों से एक आवेदन है मेरा, आप सब जानते हैं कि हमारा देश एंड
ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली, बट मैं स्टिल हमारे देश की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैं बात बोलना चाह रही हूँ कि हमारे देश के साथ रिलेटेड है। अब जान रहे हैं बहुत कठिन समय में हम सब लोग गुजर रहे हैं, एंड ये जो लॉकडाउन हुआ है इसके लिए डेफिनेटली एक रिसेशन, एक हमारे जो फाइनेंस के ऊपर एक इफेक्ट तो ज़रूर आएगा हमारा देश के। इसको ही ठीक करने के लिए हम लोग एज अ सिटीज़न हम लोग प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डेफिनेटली योगदान करिए। ये हमारा आपसे आवेदन है, जितना भी यहाँ पे आप एक रुपया दे रहे हैं या एक करोड़ रुपया दे रहे हैं, इसमें अंतर नहीं है, भाव ये रख रहा है कि आपका देने का भाव। हम लोग इतने सारे इंडियंस भी अगर मान लीजिए एक रुपया करके भी कोई दान करे तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना कितना पैसा आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से अगर हम सब अपना अपना हैसियत के अपना अपना खुद के ऊपर प्रेशर ना रख के ये फंड में दान करें, नहीं, हम सबका ये कर्तव्य है। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करिए। जितना भी मेरा व्यूअर्स है आपको भी मैं बोलूँगी कि आप भी बड़े हो रहे हैं, आपका भी पॉकेट मनी होता है, आपके साथ आजकल सबके पास कुछ ना कुछ तो रहता ही है अपना मतलब खर्च के लिए। तो इसे जितना हो सके दान करिए, सोचिए मत कल क्या होगा। कल पैसा अगर आप अच्छे काम के लिए आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा। तो ये मेरा आपसे आवेदन है, ये मेरा निवेदन है बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर इतना डिटेल्स में कभी हम लोगों से नहीं मांगेंगे, बिकॉज ये उनका मर्यादा में नहीं आता, वो मर्यादा के ख़िलाफ़ है। बट हम लोगों को सोचना चाहिए एज अ सिटीज़न, हम लोगों को जितना हो सके उनके पास, सारे देश के पास खड़ा होना चाहिए। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा। कुछ भी सवाल है मेरे ईमेल में आप लिख सकते हैं। माई ईमेल एड्रेस इज capt.satabti@gmail.com। और आप सेफ रहिए, घर में रहिए। हम लोग आशा करते हैं बहुत जल्द इस परिस्थिति से हम लोग निकल आएंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।